नई दिल्ली विश्व पुस्तक में स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दता जानता संगमे महे कालो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमित्रिधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदा। प्रधानमंत्री जी के इस विजन को माननीय शिक्षा मंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न नीतियों के माध्यम से आकार दे रहे हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास उनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी का अभिनंदन। भाषा और माननीय शिक्षा मंत्री जी हिज एक्सीलेंसी को अभिनंदन करते हुए इस वर्ष हॉल नंबर 4 में लगभग 400 वर्ग मीटर के पवेलियन में सऊदी अरब के प्रकाशकों की पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पाठकों के लिए भारत में ही अरब की भाषा की लोक पर इसी क्रम में कुछ और पुस्तकों का भी लोकार्पण आज किया जाना है, जिसमें सबसे पहले हैं स्पेशल मॉड्यूल्स। शिक्षा मंत्रालय के अधीन NCERT राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में टीचिंग लर्निंग संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। पाठ्य पुस्तकों, पूरक सामग्री और शिक्षण किट के अलावा बच्चों के लिए अलग अलग विषयों पर विशेष मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। आज 3 विशेष मॉड्यूल्स जारी किए जा रहे हैं, जिनका विषय है G20 विकसित भारत और नारी शक्ति वंदन। इससे पहले मैं सभी सम्मानित अतिथियों से इसके विमोचन का आग्रह करूं, ये क्या है इसे समझते हैं एक वीडियो क्लिप के जरिए। विकसित भारत के विराट लक्ष्य पर तिरंगा फहराने के लिए इसी कड़ी में विकसित भारत के तहत भारत सरकार द्वारा की गई राष्ट्रीय पहलों को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न विषयों पर विशेष मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जिसमें होगी झलक NEP 2020, NCF FS 2022 और NCF SE 2023 की। वर्तमान में 3 चयनित विषयों पर ये मॉड्यूल होंगे, G20 विकसित भारत और नारी शक्ति वंदन। इसका उद्देश्य युवा दिमागों को प्रेरित करना, अपने देश पर गौरव की भावना जागृत करना और उनमें उपलब्धियों की समझ पैदा करना है। ये मॉड्यूल न केवल भारत की पहल और नेतृत्व को दर्शाते हैं, बल्कि ये भी प्रदर्शित करते हैं कि कैसे ये प्रयास प्रेरणादायक संसाधनों के रूप में भारत और अन्य देशों के नागरिकों को लाभान्वित कर सकते हैं। इन मॉड्यूल्स को आज माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं लॉन्च। माननीय शिक्षा मंत्री जी और सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह है कि वे इन मॉड्यूल्स का विमोचन करें। तीन विशेष मॉड्यूल्स जारी किए जा रहे हैं, जिनका विषय है G20 विकसित भारत और नारी शक्ति वंदन। पूरी फ्रंट रो में फोन पे पूछ ले। ये मॉड्यूल्स न केवल भारत की विभिन्न पहल और नेतृत्व को दर्शाते हैं, बल्कि ये अमृत काल के दौरान बड़े हो रहे युवाओं को प्रेरित करेंगे।
जिनसे उनके भीतर देश की उपलब्धियों की समझ विकसित होगी। तीन मॉड्यूल्स G20, विकसित भारत और नारी शक्ति वंदन। इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में टीचिंग लर्निंग संसाधन के तौर पर विकसित किया गया है। धन्यवाद सभी। एक बार इस पुस्तक को दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ब्रेल लिपि में लाया गया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद महोदय। इसी श्रृंखला में अगली पुस्तक भी मन टू कम आउट विथ ऑथेंटिक ट्रांसलेटेड टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल फॉर आवर स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसलेशन लिटरेचर देयर इज अ रिच इन्वेंटरी ऑफ इंडियन लैंग्वेज राइटिंग्स। दिस बुक पेयर प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स ऑफ द रिच मल्टीलिंगुअल लिटरेचर फ्रॉम 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज एज वेल एज अबाउट 100 अदर लैंग्वेज। द 21st सेंचुरी हैज विटनेस्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी explosion of knowledge. Technology is fast changing a seamless world. With generative AI and ChatGPT, the world knowledge has witnessed a sea change. People may think that technology has impacted the publishing of books and reading habits, but it is not entirely correct. Publishing industry has witnessed boom at the same time. There is now new interest in e-reading.